नमस्कार, माँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जयपुर में स्थित गुजर घाटी लेकर जा रहे हैं। यह गुजर घाटी चल महल के सामने पहाड़ियों के पास स्थित है, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप यह जो रास्ता देख रहे हैं, यह रास्ता गुजर घाटी की ओर जाता है। तो हम आ चुके हैं गुजर घाटी में। यहाँ हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि यह कितनी प्यारी और शानदार जगह है। यह जगह पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा ग्राउंड देख सकते हैं। तो हम चलते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को में देख सकते हैं कि यह कितनी प्यारी और शानदार जगह है और यह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप जो ये पेड़ देख रहे हैं, कदम के पेड़ हैं। यहाँ जंगली जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। इस मंदिर के आसपास काफी कदम के पेड़ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो रास्ता है पथरीला और सकड़ा रास्ता है। यहाँ पर केवल बाइकें ही आ सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं वैष्णो माता के मंदिर, जो कि गुजर घाटी में स्थित है। जय माता दी, जय माता दी। वाओ, कितनी अच्छी जगह है, शानदार। तो हम मिलते हैं एक यहाँ के पुजारी जी से और यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह काले हनुमान जी का मंदिर है। इसको कहते प्रभातपुरी का खोला और यहाँ शिव जी का मंदिर। उसके बाद के अंदर क्या है कि काले हनुमान जी की मूर्ति यहाँ स्थापना कराई। नीचे वैष्णो माता की गुफा है, ओरिजिनल टू कॉपी है। और जैसे ओरिजिनल वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए आप पधारे हैं, वहीं पर ही चबूतरा बहुत तो बढ़िया बना हुआ है। और यहाँ पे नाइट के अंदर भी जानवर आते हैं, पशु पक्षी अभी दिन में भी आते हैं, और बहुत ही बढ़िया एकदम स्थान है। दूसरी बात, यहाँ पे कदम के वृक्ष इतने हैं कि आपको ढूंढने में नहीं मिलेंगे। जयपुर में इतने कदम के वृक्ष यहाँ मिलेंगे। इतनी बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक, बहुत आनंदमय जगह हैं। और नीचे काले हनुमान जी की सेवा पूजा मैं करता हूँ। नाम मेरा दुर्गा शंकर शर्मा है और ये मूर्ति मेरे हाथ की स्थापना है और मैं ही इनकी सेवा पूजा करता हूँ। जो भी भक्तगण आते हैं उनकी जो भी सेवा हो मैं करता हूँ या मेरे बाबा जी हनुमान जी महाराज करते हैं। और ये जहाँ भी रास्ता बना है वो आप लोगों की मेहनत की वजह से पूरा रास्ता बना दिया हमने। और गाड़ी अभी बरसात में, 2 साल पहले बरसात में नाला टूट गया था, नहीं तो यहाँ 4 व्हीलर तक यहाँ पे आती थी आपके हनुमान जी के पास। थैंक यू सर। तो अब हम आगे चलते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ कितनी प्यारी, कितनी शानदार जगह है। यह कितनी प्यारी और कितनी शानदार जगह है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जंगली पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। बहुत ही प्यारी जगह है ये, बहुत ही शानदार। तो हम एंट्री कर चुके हैं माता के मंदिर की तरफ। बहुत ही पहाड़ों में स्थित है। भाई
तो अब हम एंट्री कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की गुफा में, देखते हैं और हम दिखाएंगे आपको माता वैष्णो देवी के पिंडियां और यहाँ दर्शन करेंगे। ओम जय अम्बे गौरी नाथन कुंडल सोमित नासा जत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी सुंदरी माती ओम जय अम्बे गौरी चंद रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी आवत नरत करत भैरो मैया नरत करत भैरो बाजत तारे गौरी जम्मू में माता वैष्णो देवी की जो पिंडियां हैं वैसी ही पिंडियां यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं और माता जी के दर्शन करा रहे हैं। आप जयपुर में भी वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। इनके दर्शन के लिए आपको जयपुर की गुजर घाटी में आना होगा और माता के दर्शन कर सकते हैं। आपको जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सारे पेड़ कदम के पेड़ हैं जो कि श्री कृष्ण को बहुत ही प्यारे थे और हैं। यहाँ पर जंगली पैरट, राष्ट्रीय पक्षी मोर आदि देखने को मिल जाते हैं। बरसातों के दिनों में यहाँ झरने भी देखने को मिल जाते हैं। ऊंचाइयों पे पार करते हुए बहुत ही प्यारा व्यू नजर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से हम जल महल भी देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जगह है ये। बाय। अभी और ऊपर चलेंगे। ऊपर चढ़ते हैं। ओके।
हमने यहाँ पर काफ़ी देर एंजॉय किया, आनंद लिया, और यहाँ का जो वातावरण है, शांत वातावरण है, वहाँ पर भी हम थोड़ी देर बैठे, आनंद लिए। तो अब हम निकलते हैं घर के लिए। जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत नहीं है।